الرحمن الرحيم الرحمن बिसम राय अम नाजरीन बी ए इस्लामियात लाजमी कोर्स कोर्ट चार सौ सोलह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िया खुरम हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है सुरजरात आज के प्रोग्राम में सुररात की अगली आयात की तलावत और तर्जुमा सुनने की हम शादत हासिल करेंगे इसके साथ ही आयात की तफसल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर महीुद्दीन हाशमी साहब जिनका ताल्लुक लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुलिया अरबी और इस्लामिया के शुभ फ़िक्र इस्लामी से है सबसे पहले मैं दावत दूँगी जनाब क़ारी रफ़ीद्दीन साहब को कि वो हमें आयात की तिलावत तर्जमा सुनाए يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعذر الظن إثم ولا تجسسوا ولا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب ऐमान वालो बहुत गुमान करने से परहेज करो बेश बामान गुना होते हैं और तजस न करो और न तुमसे कोई दूसरे की गबत करे क्या तुम में से कोई इसको पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए तुम इससे ज़रूर नफरत करोगे और खुदा से डरते रहो बेशक अल्लाह बड़ा ही तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है जजाकल्ला इन आयात का तर्जुमा सुनने से आपको पता चला होगा कि बहुत वाजह तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि बुरा गुमान ना करो यानी किसी के बारे में बुरा मत सोचो हमेशा अपनी सोच को मस्बत रखना चाहिए जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में इस तरह से सोच रहा होगा जब हम उसको नेगेटिव करके सोचते हैं कि दूसरे का बुरा इंप्रेशन पड़ता है एक दूसरे के लिए दिल खराब होता है ये बहुत आम बातें जो हमारे माशरे में हैं लेकिन चौदह सौ साल पहले अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमा दी थे और आज हमारे माशरे में वही सब कुछ हो रहा है जिससे अल्लाह ताला ने बचने की तरगीब फरमाई है और इसके अलावा गिबत के बारे में यह ये कह दिया कि अगर गिबत करोगे तो वो मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है और क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इन आयत की मज़ीद तफसील के लिए मैं प्रोफ़ेसर साहब को दावत दूँगी कि इसको मज़ीद बयान फरमाएँ हमारे लिए ताकि हमारे तलबा अच्छी तरह इसको समझ सकें जी प्रोफेसर साहब हाँ जी ये जो आयात हैं सूरह हुजरात की इसमें भी उसी का तसलसल है जो माशरती आदाब और तलीमत इंसानों को अल्लाह ती हैं उसी का तसलसल है जिसमें इन आयत में बुनियादी तौर पर मज़ीद तीन चीज़ों को हराम करार दिया गया है और उनसे मना करने का हुक्म दिया, दिया, दिया गया है जिसमें से पहली चीज़ बदगुमानी है कि किसी इंसान से मुतक़ ऐसा गुमान रख लेना जो मफरूज़े पे मबनी हो किसी के कही सुनी बात हो कोई अथेंटिक सोर्स से वो चीज़ सामने ना आई हो लेकिन वैसे ही किसी बुनियाद पर उससे बदगुमानी रख देना ये शरण इंतहाई मायूब है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्यूंग इसको फ़रमाया कि इयाकुम वज़न किन अक्ज़बुल हदीस के बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी झूठी बात है यानी बदगुमानी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी बात कहा है हालांकि हकीक़त यह है कि बाज़ात ऐसा हो सकता है कि वो जो बदगुमानी है वो हकीकत पे बहस कर रही हो लेकिन जो गुमान हम इख्तियार कर रहे हैं वो किसी ठोस शवाहिद की बेस पे नहीं है इसलिए शरीयत उसको बदगुमानी और झूठ कंसिडर कर। बल्कि यहाँ पे ये भी वजाहत मैं कर दूँ कि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि न सिर्फ़ आप इंसानों के साथ बदगुमानी ना करें बल्कि अल्लाह से भी बदगुमानी ना करें औरज़ूर अक्रमली व्लम का फ़रमान है हदीस कुदसी है अना इंद ने आप दी भी कि मैं जो बंदे का जो मेरे मुत्ल गुमान हो, होता है मैं उसके करीब हूँ अगर बंदा मेरे मुतलक ये गुमान करता है कि यानी मायूसी का शिकार हो जाता है और मेरी रहमत से मायूस हो जाता है तो उन नतज को वो भुगतता है और अगर वो मेरे मुतलक ये गुमान रखता है कि मैं अरहमर अरहमुर्राहिमी, अरहमर्ररामीन हूँ और उसकी तमाम हाजात को पूरा करने वाला हूँ तो देश मैं, देश मैं उसकी जो गुमान है जो नेक गुमान है मैं उसको पूरा करता हूँ और तजस ना करो हाँ जो दूसरी चीज़ इसमें बयान हुई कि तजस ना करो आ, दूसरों की टोह में पड़े रहना ये भी एक हमारा अलमिया है कि हर शख्स दूसरे की टोह में पड़ा हुआ है और इससे कुरान मजीद ने मना किया और कुरान मजीद ही की एक और आयत है जिसमें यह कहा है कि आप अगर किसी के घर में आपका जाने का इरादा हो तो आप उसको बाकायदा खटकाएँ और उससे इजाज़त लें जब तक आपको इजाज़त ना मिले तो आप अंदर दाखिल ना हों तो ये वही एक जो इंसान के बुनियादी हक़क़ हैं जिसका आज दुनिया में बड़ा प्रचार हो रहा है जिसमें से एक को कहा जाता है कि द राइट ऑफ प्राइवेसी तो राइट ऑफ प्राइवेसी तो बुनियादी तौर पे इस्लाम वो चीज़ है दे इस्लाम ने उस वक्त पेश किया जब दुनिया के फ़लसफों में और इन चीज़ों में इसका कोई तसवर नहीं पाया जाता था उस वक्त अल्लाह ताला ने ये एक राइट ऑफ प्राइवेसी दिया कि हर शख्स को ये इख्तियार है कि उसका ये हक है कि वो जो जो काम करे दूसरे उसकी टो में न पड़े तो ये ला तजसू की जो कुरानी तलीमत हैं उनसे हमें ये चीज़ सामने आती है और जो तीसरी तलीमत इन आयात में बयान हुई है वो गीबत से मुतल है और गीबत कहते हैं कि पुशत पीछे किसी से मुतक ऐसी बात करना जो उसको नागवार गुजरे चाहे वो सच्ची ही बात क्यों ना हो यहाँ पर यह फ़र्क जहन में रखना चाहिए कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर सच्ची बात है तो वो गीबत नहीं है अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़ करते हुए फ़रमाया कि अगर वो सच्ची बात है तो फिर तो वो गीबत है और अगर वो गलत बात है तो वह तो भुगतान है।, है और एक ऐसी इल्ज़ाम तराशी है जिसका कतन कोई वजूद नहीं है और इसको जो कुरान मजीद ने एक तशबी से वाजे किया कि ये अमल जो है वो इतना कबी अमल है कि उसको यानी इंसानी गिरावट की एक आखिरी दर्जा ये हो सकता है कि इंसान जहन में ये तसव्वर करे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए तो बैन ही ये अखलाकी लिहाज से और अखलाकी पस्ती के आ, उस दर्जे पर दाखिल है कि जिस दर्जे पर इंसान ये अमल कर सकता है जजाकल्ला बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आ, बहुत अच्छा बयान फरमाया और माशरे में जो मौजूद बुराइयाँ हैं इनसे किस तरह अल्लाह ताला ने बचने की तरगीब दी है और इसको अपनाने वाले जो हैं उनको जहनम का रास्ता भी बता दिया गया है अब मैं कारी साहब को अगली आयत की तिलावत के लिए दावत दूँगी जी कारी साहब وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ألوغو. हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाखत करो बेशक खुदा के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला सबसे ख़बरदार है यहाँ पर बयान फरमाया गया जैसा कि आपने तर्जुमे में सुना कि अल्लाह ताला ने कौमे और कबीले शनाख्त के लिए बनाए तो मेरा प्रोफेसर साहब से ये सवाल है कि आज कल बना दिया गया है कि कौन किस कौम से है रिश्तों के हवाले से तो उसकी कास्ट सिस्टम देखा जाता है ये किसी उस बिरादरी से है जो हमारे साथ मैच नहीं करती और अल्लाह ताला ने तो यहाँ पर कहा गया कि ये सिर्फ पहचान के लिए कौमे और कबीले मैंने बनाए शनाख्त के लिए हैं जिसको थोड़ा सा बयान फरमाएँ हमारे तलबा के लिए कि इसका क्या मतलब है हाँ जी इसकी आ, कुछ वजाहत तो हमने पहली आयत में कर दी थी कि इस्लाम जो हमें वर्ल्ड व्यू देता है उसमें मसावत नसल इंसानी का तस्वर है और इंसानी बरदरी का तस्वर है और जो खुदाई कुंबे का एक तस्वर है तो ये तमाम चीज़ें तो उसी को बताती हैं कि इंसान जो है वो इस बुनियाद पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है कि ये फ़लाँ कबीले से तल्लक रखता है या फ़लॉँ रंगत का हामिल है या फं ज़ुबान रखता है या इसके पास मालो दौलत इतना ज़्यादा है तो ये बर्तरी के मीर नहीं है कुरान ये बताता है कि बर्तरी का मीर नहीं है बल्कि बर्तरी का जो असल मैार है वो तकवा है तकवा है और तकवा क्या करता है तकवा इंसान की पर्सनैलिटी को डिवेलप करता है जो तमीर शख्सियत है तजिक नफ्स है बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जो ये बताती है कि ये इंसान रुतबे में फ़लाँ इंसान से बढ़कर है और अल्लाह के नज़दीक उसी का बुलंद मकाम है जो तकवा के मैार पर फायज़ तो है और उसके बुलंद मैार को रखता है बुनियादी तौर पर ये आयत जो है ये उस वक्त नाजिल हुई आ, जब फतह मक् के मौका पर हज़ूर वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़ कर अजान दें तो आ, जो क्रैश थे जो अभी इस्लाम के दायरा में दाख़िल नहीं हुए थे तो उन्होंने ये देख कर तरह तरह की बातें शुरू की किसी ने कहा जी कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरा वालद जो है इस वाक़ को देखने से पहले जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो गया उसने ये मंज़र जो है वो नहीं देखा इस तरह की बहुत सी बातें कि किसी ने बड़े बुरे नाम से हज़रत बिलाल को याद किया कि जी ऐसे शख़्स को जो है इतनी काबा की जो है ज़ी शरफ़ इमारत के ऊपर खड़ा कर, कर दिया है।, है तो ये बहुत ही आ, नागवारी की बात है जो उन्होंने इसको महसूस किया तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बातें पहुँची तो ये आयत नाजिल हुई और ये बताया गया कि शर्फ का मैार जो है वो रंगत या ये चीज़ें नहीं हैं बल्कि शर्फ का जो आला मीार है जो असली मीर है वो अल्लाह का डर है अल्लाह से तकवा है और इंसानी शख्सियत की ग्रोथ है उसकी तरक्की है बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब अब मैं कारी साहब को दावत दूंगी कि आयत नंबर चौदह से लेकर अठारह की तिलावत फरमा दें अम وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بدون كها كهم کہ إيمان कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो हनूज तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो वो तुम्हारे अमाल में से ज़रा भी कमी न करेगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है مؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقين बेशक बेश्यक मोमिन लोग वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया यही लोग सच्चे हैं والله بكل شيء عليم कह दीजिए इनसे क्या तुम अल्लाह को अपनी दींदारी जितलाते हो और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए कह दीजिए कि मुझ पर ईमान लाने का एहसान न रखो बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की तौफीक बख्शी अगर तुम सच्चे हो इन बेशक अल्लाह ताला आसमान और जमीन के गैब को जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है यहाँ पर आपने तर्जुमे में सुना कि फरमाया गया कि बदुओं से कहा गया कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि इस्लाम लाए हो। तो यहाँ पर हमें बयान फरमा दे कि ईमान और इस्लाम का फ़र्क क्या है हाँ जी बुनियादी तौर पर ये जब आयात नाजिल हुई तो इसका जो शान नजूल है वो ये है कि मदीना में कुछ बदू कबाइल आए और उन्होंने वैसे ज़ाहरी तौर पर ये कहा कि जी हम इस्लाम ले आएँ हम ईमान ले आएँ बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम ईमान ले आए हैं हालांकि वो हकीकत में ईमान नहीं, नहीं।, नहीं लाए थे उनका मकसद ये था कि चूंकि उस वक्त हालात आ, जो है वो आ, कहत के हालात थे जब ये मदीना में आए थे तो उन्होंने ये हज़ूरक्रमली व्लम से ये कहा कि हमें सदकत से और इन अमवाल से हमें ऐसा दें और साथ ये एहसान भी जितलाया कि हम तो देखें फ़लाँ फलाँ कबीले हैं उनसे तो आपकी जंगें हुई उसके नतीजे में वो ईमान लाए हम तो बग़ैर किसी जंग के बग़ैर उसके आगे और आपके पास आके हाज़िर हो गए और हम ईमान ले आए हैं इसलिए हमारी आप खूब कदर करें यानी दूसरे लफ्ज़ में उनने ये एहसान जिताया कहा कि जित जी आपको तो हमारी बहुत क़दर करनी चाहिए अच्छा तो यहाँ पर कुरान ये बताता है कि ऐसा नहीं है ये जो लोग आए थे ये हकीकत में ईमा ईमान नहीं लाए नहीं थे बल्कि इस्लाम आप ये कह सकते हो कि हम इस्लाम लाए हैं ईमान नहीं लाए थे तो जैसे आपने पूछा कि ईमान और इस्लाम की हकीकत क्या है तो असल में इसमें लघवी लिहाज से तो फ़र्क है हकीकत में ये दोनों चीज़ें लाजम और मज़ूम है यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स ईमान लाए और वह इस्लाम न लाया हो या इस्लाम लाए तो वह ईमान न लाया हो ऐसा मुमकिन नहीं है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री हैं लाजिम मलज़ूम है, है। सही। लेकिन लोघवी एतबार से इनमें फ़र्क ये है कि इस्लाम लाने का मतलब ये है कि ज़ाहरी अमाल इंसान के ऐसे हों जो शरीयत की मंशा के मुताबिक हों और ईमान बुनियादी तौर पर यह है कि आप दिल से उन बुनियादी हकायक को तस्लीम कर लें जो कायन की सबसे बड़ी हकीकतें ईमान यही है, है बुनियादी तौर पर और इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं वो यही हैं कि आप कायनत की जो सबसे बड़ी हकीकतें हैं आप उनको मान लें आप उनकी मारफत हासिल कर लें और कायनत की जो सबसे बड़ी हकीकतें हैं वो क्या हैं सबसे बड़ी हकीकत है मारफत इलाही अल्लाह ताला की ज़ात आप उसकी मारफ़त हासिल करें फिर मारफ़त नफ्स है कि इंसान अपनी मारफत हासिल करें फिर तीसरी चीज़ कायन की मारफत है जब इंसान और बुनियादी अकायद बुनियादी तौर पर इन्हीं चीज़ों पे बहस करते हैं अल्लाह पर ईमान उसके रसूलों पर ईमान आखिरत पर ईमान और इंसान का जो कायनात में जो उसका स्टेटस और रोल है इन तमाम चीज़ों के साथ उसका तल्लक है तो आ, यानी असल बात यह है कि ज़ाहरी लिहाज से तो ये फ़र्क है लेकिन हकीकत बात यह है कि जैसे आ, हम ये कहते हैं एक मिसाल इसमें मैं बयान करना चाहूँगा कि अगर हमें ये इल्म हो कि ये आग जो है ये हमें जलाती है तो कोई भी शख़्स उसमें हाथ नहीं डालेगा यानी हमारे दिल में ईमान तो ये है ईमान उसको कह दें अकीदा कह दें कि ये आग जलाती है तो आपका जो अमल है वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं होगा तो ईमान और इस्लाम का भी बुनियादी तौर पे यही ताल्लक है कि अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं रोज़े जजा पर ईमान रखते हैं योम हिसाब पर ईमान रखते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उस खाल के कायन की नाफरमानी करें और आपके जो ज़ाहरी अमाल हैं वो उस ईमान के तकाज़े के बरखिलाफ़ बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब अजीज़ तलबा आज आपने सुरल हजरात की आखिरी दस आयात की तलावत तर्जुमा सुनने के साथ साथ इस मौजूद हदयात की को तफ़ील से सुना इन आयात में फरमाया गया कि जब मुसलमान आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा गीबत ना करो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ तजस ना करो एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो और जिस तरह लोग एहसान जितलाते थे कि हम ईमान ले या हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये फरमाया गया आखिरी आयात में कि ये एहसान अल्लाह ताली की जात पर नहीं है बल्कि आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह तला ने आपको तोफ़ी बख्शी है कि आप ईमान लाए या आपने इस्लाम जैसी दौलत आपको मिली तो हमारे आज के माशरे में भी ये सारी बुराइयाँ हैं अगर हम कुरान पाक पर अमल करें तो इन सारी बुराइयों से हम दूर हो सकते हैं अजीज़ तलबा अगर आप अपने निसाब में शामिल सुरल हजरात की इन आयात की तिलावत और तर्जुमा के बाद जो आपने तफसील सुनी इस पर अमल पैरा होंगे तो आप बहुत अच्छे शहरी और बहुत अच्छे मुसलमान बन सकेंगे हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको अच्छे शहरी और अच्छे मुसलमान बना सकें हम उम्मीद रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने भरपूर इस्तफादा किया होगा प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं अपने मोजिज मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ शुक्रिया, शुक्रिया कारी अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए अपनी मेजबान नाज हुम को अल्लाह ने गहबान القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر <applause> <applause> <الشمس والطمر> بحسبان والنجم والشجر